गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 9th क्लास के एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। मैथ की क्लास है आज, और लास्ट टाइम मैंने आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस समझाए थे और जिसको मैंने ब्रीफली डिस्क्राइब किया था और आप इसको आई थिंक अंडरस्टैंड किया होगा। तो ये 1.2 एक्सरसाइज के जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन है वो इसी को बेस करते हैं, प्रॉपर्टीज पर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नॉन मैट्रिसेस। तो अगर सपोज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपने आइडेंटिफाई करना है कौन सा मैट्रिक्स है, अगर ए मैट्रिक्स है उसमें फर्स्ट है 0 0 0 0, तो आपने ये आंसर करना है। ये अगर आपने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को अच्छे तरीके से आपने इसके डेफिनेशन को एस्टीम किया था तो ये आपको आ जाएंगे। तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये आपका नल मैट्रिक्स होगा, आप इसका लिख देना है। और उसके बाद अगर मैं बी सी है इसमें जैसे 4 0 6, अब आपने देना है कौन सा मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स करता है, कॉलम मैट्रिक्स है, आपका स्केल मैट्रिक्स कौन सा है। तो आपने देखा था कि डेफिनेशन के मुताबिक जिसकी एक रो होती है एक कॉलम होता है वो कौन सा कहलाता है, कॉलम मैट्रिक्स। तो ये कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो बाकी जो इसके बी सी डी डी एस वो सब आपको करते हैं। सेकंड क्वेश्चन ऑफ सेम वही, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई स्केल मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, डेंटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। सबसे पहले आपको इनकी डेफिनेशन पता होना चाहिए। जब आपको इनकी डेफिनेशन का पता होगा तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन सेकंड का अब उसमें फर्स्ट पार्ट है जैसे -8 12 2 0 और 7 4। अब आप इसको करना है कि ये कौन कौन सा मैटर है, रेक्टेंगुलर है, स्केल है, कौन सा मैटर है। अगर आप इसके ओवरऑल देखा जाए तो 2 रोज है और 3 कॉलम है, ऑर्डर आर नॉट सेम, इट्स मीन ये आपका कौन सा है, रेक्टेंगुलर। कौन सा मैटर है, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह एक मैं और क्वेश्चन करवाता हूं, ये है 6 3 10 -1, इसमें से 1 रो है और 3 कॉलम है, तो इट्स मीन ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, रो मैट्रिक्स, क्योंकि 1 रो है ना इसकी, इसलिए। इसी तरह एक और मैं क्वेश्चन बताता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 4 है 1 0 0 1। अब ये कौन सा मैट्रिक्स है, हमें सीखा था कि जो जिसका डायगोनल सेम हो, सेम से बात होगा वो स्केलर होगा, लेकिन एक डेफिनेशन जिसका डायगोनल 1 1 हो तो वो क्यों साइड कराएगा, वो यूनिट मैट्रिक्स कराएगा, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसके ऑर्डर सेम होंगे वो स्केल मैट्रिक्स रहेगा। आप इसको देखिए और इसको आप नोट करेंगे, ये स्पेशली शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ जाती हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई सेम, क्वेश्चन नंबर 3 भी यही है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 5 और आपको 6 करवाऊंगा, देन ये अपने कंप्यूटर की मैं इसमें से देखिए दोनों प्रोसेस समझाऊंगा ताकि आप उसको कर सकें अच्छे तरीके से।